नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज चर्चा होगी पिछले दिनों हमारे देश के बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य जो हुआ था स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पर। उस पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि शतायु होने की कामना करना सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक विचारों में से एक है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं और मुझे लगता है कि आप भी इसके साथ, इस वक्तव्य के साथ अपनी सहमति जताएंगे। 100 साल जीने की कामना करना अपने आप में एक सकारात्मक विचार है। वैसे ही आदमी अपनी जीवन शैली, अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और हमेशा हंसते बोलते खेलते कूदते मुस्कुराते हुए प्राकृतिक आनंद और सौंदर्य की अनुभूति करते हुए अपनी जीवन व्यतीत करने लगता है और 100 क्या शताधिक आयु भी प्राप्त कर सकता है। तो मोदी जी, आपको एक बार बहुत बहुत नमन और आपका आभार कि आपने विचार अपने देशवासियों के साथ साझा किए। और ऐसे भी भारतवर्ष में हम देखते हैं कि कई विचार हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार, ये बहुत अपने आप में एक इतना ये व्यापक विचार है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। क्या बात है बताइए। हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, वाल्मीकि कृत, तुलसीदास जी कृत, श्री रामचरित मानस, गीता की बात कही जाए, महाभारत, ये सभी धर्म ग्रंथ अपने आप में मानव सभ्यता को मतलब उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की जो प्रकाष्ठा है उस पे अपने स्तर को मतलब सिद्ध करते हैं। इसलिए इस वीडियो में मुझे लगा कि उस बात को, प्रधानमंत्री के उस बात को आप सब तक व्याख्यात्मक रूप में रखें, ये बहुत जरूरी समझा मैंने। तो इसीलिए इस वीडियो में, इस समय इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके साथ प्रधानमंत्री जी के विचारों को शेयर करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर सूचित कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स से, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आप सभी शतायु होने की इच्छा जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सबको नमन, सबका आभार।